जब IIM से निकले तो आपको अच्छी जॉब्स मिल रही होंगी, आपने जॉब ना करके अपने बिजनेस के लिए क्यों सोचा? अगेन आई हैड कॉन्फिडेंस वन और टू इयर्स आई विल बिकम गुड, तो ऐसा सोच के फिर आई स्टार्टेड विद अराउंड 2000 रुपीस ऑफ माइंड. आई थिंक दैट्स द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. अब आपकी माँ बहुत खुश है? हाँ, शी इज हैप्पी दैट आई सारे कर्ज आपने चुका दिए हैं, सब कुछ सारा जितनी परेशानियां उन्होंने सही. Are you able to compensate on that? No, like वो compensate नहीं कर सकता है. My mother sacrificed for five of them. तो compensate नहीं कर सकता कभी भी, like मेरा पूरा जिंदगी में भी नहीं कर सकता. लेकिन आज भी आप उसी पुराने घर में रहते हैं, इतना आपका business establish हो गया है, लेकिन वो घर क्यों नहीं छोड़ा आपने? इसलिए नहीं छोड़ा, 25 साल उसमें ही रहा. मेरे को ऐसा नहीं है, ठीक है मेरे को इतना पैसा मिला तो I have to suddenly shift to some other home or something. मेरे को कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज मैं बहुत सारे होटल्स में भी स्टे, फाइव स्टार होटल्स में जब भी कुछ स्पीच के लिए बुलाता है या कॉलेज में या कंपनीज में, उधर भी रह गया इधर भी रह गया, मेरे को दोनों एक ही है. चलिए आज इन सब लोगों को यहाँ पर अपनी एज बता दीजिए, क्योंकि इतनी सारी अचीवमेंट्स किस उम्र में हुए हैं ये भी हमें पता चल जाए. 27 आई ग्रेजुएटेड इन द IIM अहमदाबाद राइट आउट 29. और शरद, हमको पता चला है कि आप अपनी जिंदगी की प्रेरणा महान लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़कर लेते हैं, इसलिए हम आपके लिए गिफ्ट लेकर आए. कर्नाटक के एक गांव का गरीब लड़का भूखा रहा, मजदूरी की, चावल का पानी पीकर पेट भरा. कैसे वो बना मुंबई का जाना माना हेयर स्टाइलिस्ट?